हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका अमन चेस वीडियोज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पीटर पोटेमकिन वर्सेस एलेक्जेंडर एलेकाइन की गेम दिखाऊंगा, जो कि दोस्तों 1912 में खेली गई थी। एंड दोस्तों, यहाँ पर व्हाइट से खेल रहे हैं पीटर एंड दोस्तों यहाँ पर ब्लैक से खेल रहे हैं एलेक्जेंडर। तो दोस्तों, ये जो गेम है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं मोर चेस वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों, इस चैनल पर मैं ट्रिक्स एंड ट्रैप्स भी लाता रहता हूँ, तो दोस्तों जो लोग नए हैं तो दोस्तों वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ना दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो को चालू करते हैं। एंड दोस्तों, यहाँ पर वाइट मतलब पीटर ने स्टार्टिंग करी e4 यानी किंग्स पॉन ओपनिंग। ब्लैक ने प्ला दिया c5, सिसिलियन डिफेंस g3 एंड दोस्तों g6 खेला गया। नाउ बिशप g2 एंड दोस्तों यहाँ पर गेम में बिशप g7 खेला गया। दोस्तों यहाँ पर गेम में नाइट e2 खेला गया। दोस्तों यहाँ पर वाइट चाहे तो शॉर्ट कैंसिल कर सकता है, बट गेम में क्या हुआ, गेम में नाइट c6 खेला गया। एंड दोस्तों c6 के बाद यहाँ पर c3 खेला गया, जिससे दोस्तों नाइट एंटर नहीं हो पाए। तो दोस्तों इसलिए गेम में नाइट f6 खेला गया, ताकि दोस्तों इस किसी तरह पॉन को कैप्चर किया जाए। एंड दोस्तों यहाँ पर नाइट a3 खेला गया। और दोस्तों नाइट a3 के बाद गेम में d5 खेला गया। और दोस्तों पॉन टेक्स ऑन d5, नाइट टेक्स ऑन d5 एंड दोस्तों नाइट c2 गेम में खेला गया। अब दोस्तों यहाँ पर ब्लैक ने करा शॉर्ट कैसल एंड दोस्तों यहाँ पर d4 गेम में खेला गया। एंड दोस्तों यहाँ पर कैप्चर, नाउ पॉन टेक्स। और दोस्तों फिर यहाँ पर पॉन टेक्स करने के बाद यहाँ पर आ गया बिशप, जिससे दोस्तों ये जो नाइट है वो पिन हो गया। और गेम में क्या हुआ, गेम में खेला गया पॉन f3, जिससे दोस्तों ये बिशप यहाँ से मतलब अपनी पोजीशन चेंज करे। एंड दोस्तों यहाँ पर जो नाइट है वो अनपिन हो जाए। तो दोस्तों गेम में क्या हुआ, गेम में बिशप f5 खेला गया, ताकि दोस्तों इस नाइट को कैप्चर कर सकें। और फिर दोस्तों जैसे ही यहाँ पर बिशप कैप्चर करता है, मान लीजिए ब्लैक ने वाइट ने ये मूव करा, देन यहाँ कैसे कैप्चर करता है, देन उसके बाद यहाँ पॉन इजीली कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बिशप है। तो दोस्तों इसलिए गेम में क्या हुआ, गेम में बिशप को खेला गया यहाँ पर b f5, बट गेम में क्या हुआ, गेम में नाइट e3 खेला गया, जिससे दोस्तों इस बिशप को यहाँ से हटा सकते हैं। और या फिर अगर यहाँ से ब्लैक कैप्चर करता है तो दोस्तों अपन बिशप से भी कैप्चर कर सकते हैं। बट गेम में क्या हुआ, गेम में उससे पहले ही क्वीन a5 चेक आई एंड दोस्तों गेम में किंग को f2 मूव किया गया, क्योंकि दोस्तों अगर अपन ये बिशप लगाते हैं देन उस पोजीशन में क्या होगा, अपना ये पॉन चला जाएगा एंड फिर कैप्चर और फिर कैप्चर। तो दोस्तों ये जो पोजीशन है थोड़ी क्रिटिकल हो सकती है। तो दोस्तों इसलिए क्या हुआ, गेम में किंग f2 खेला गया। एंड दोस्तों किंग f1 भी खेल सकते हैं, बट दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, किंग f2 खेला गया, जिससे दोस्तों रुक और क्वीन दोनों कनेक्ट हो गए। एंड दोस्तों गेम में नाइट bd4 खेला गया। नाउ दोस्तों यहाँ पर नाइट से f5 बिशप कैप्चर किया। एंड दोस्तों यहाँ पर पॉन से कैप्चर नहीं किया, यहाँ पर दोस्तों क्वीन से कैप्चर किया f5। नाउ दोस्तों गेम में क्या हुआ, g4 खेला गया, जिससे दोस्तों क्वीन पर अटैक। एंड दोस्तों गेम में आई चेक, और फिर दोस्तों अपन कैप्चर नहीं कर सकते बिकॉज क्योंकि अपनी क्वीन चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक की भी क्वीन है। तो दोस्तों इसलिए गेम में क्या हुआ, किंग g3 खेला गया। अब दोस्तों किंग g3 की जगह अपन यहाँ पर खेल सकते हैं, बट दोस्तों उस पोजीशन में क्या होगा कि यहाँ से कैप्चर और फिर क्वीन कैप्चर, और फिर दोस्तों यहाँ पर जो वाइट है वो दोस्तों यहाँ पर मतलब जो इजीली मतलब लूज हो सकता है गेम, क्योंकि दोस्तों यहाँ से नाइट आ जाएगा फिर नाइट, और फिर दोस्तों मतलब जो वाइट का जो किंग है वो दोस्तों एक मतलब अच्छी पोजीशन पर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर वाइट जो है वो गेम हार सकता है। इसलिए दोस्तों क्या हुआ, गेम में यहाँ पर किंग g3 खेला गया, जिससे दोस्तों यहाँ पर कोई अटैक आने के चांस नहीं रहे, क्योंकि दोस्तों बिशप यहाँ पर आ नहीं सकता बिकॉज पॉन है। पर दोस्तों गेम में क्या हुआ, गेम में पहले इस पॉन को हटा दिया नाइट d4 एंड दोस्तों यहाँ से क्वीन का एक सेक्रीफाइस दिया। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, जब गेम में पॉन को खेला गया देन उसके बाद क्या है, चेक आई एंड दोस्तों यहाँ कैप्चर नहीं किया गया, गेम में किंग g3 मूव किया गया एंड दोस्तों यहाँ पर क्वीन का सेक्रीफाइस दिया एलेक्जेंडर एलेकाइन ने, जो कि दोस्तों ब्लैक से खेल रहे थे। एंड दोस्तों यहाँ पर नाइट d4 कैप्चर किया। एंड दोस्तों अब इस पोजीशन में यहाँ पर अपन नाइट कैप्चर कर लें तो दोस्तों वो वेरिएशन कुछ अलग हो सकती है, क्योंकि दोस्तों उस पोजीशन में यहाँ पर बिशप आ सकता है और फिर दोस्तों ये पोजीशन कुछ अलग हो जाएगी। बट गेम में क्या हुआ, गेम में कैप्चर किया गया, और अपन कैप्चर नहीं करते तो थोड़ा गेम बच सकता था, बट गेम में क्या हुआ, कैप्चर किया गया। एंड दोस्तों कैप्चर के बाद गेम में क्या हुआ, गेम में खेला गया नाइट टेक्स ऑन f5 चेक, और फिर दोस्तों क्या हुआ कि चेक आ गई, तो दोस्तों किंग यहाँ मूव हो नहीं सकता, यहाँ पर मूव हो सकते हैं, यहाँ नहीं हो सकते क्योंकि दोस्तों नाइट है, यहाँ पर भी नहीं हो सकते, नाइट है यहाँ और या फिर यहाँ अपन मूव हो सकते हैं। दोस्तों गेम में क्या हुआ, गेम में
किंग g4 खेला गया। अगर अपन दोस्तों यहाँ पर मूव होते हैं देन नाइट की चेक और यहाँ पर हो जाएगी चेकमेट, बिकॉज दोस्तों किंग कहीं पर भी मूव हो नहीं सकता क्योंकि दोस्तों तीन स्क्वायर हैं किंग के पास मूव होने के लिए, या तो g3 दोस्तों h4 या फिर g4, क्योंकि दोस्तों तीनों जो स्क्वायर है वो नाइट की चेक है। एंड दोस्तों इसलिए गेम में क्या हुआ, गेम में किंग को g4 मूव किया गया, बट उस पोजीशन में अपन यहाँ पर h5 खेल सकते हैं, गेम में खेला गया, बट h5 की जगह नाइट से चेक लगा के और फिर दोस्तों अपन यहाँ क्वीन को भी कैप्चर कर सकते हैं। और दोस्तों इस पोजीशन में क्या हुआ कि यहाँ से किंग यहाँ मूव होगा एंड दोस्तों ये यहाँ पर क्वीन अपन मतलब कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए गेम में क्या हुआ, गेम में मेट की सोची थी तो दोस्तों यहाँ पर एक सेक्रीफाइस दिया, तो दोस्तों मेट तो होनी ही चाहिए क्योंकि दोस्तों सेक्रीफाइस दिया है तो मतलब, और वो भी दोस्तों क्वीन का, तो दोस्तों यहाँ पर क्वीन नहीं कैप्चर कर सकते क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक सेक्रीफाइस दिया है तो मेट होगी। तो दोस्तों गेम में क्या हुआ, h5 खेला गया एंड दोस्तों h5 के बाद किंग यहाँ मूव हो सकता है, बट गेम में क्या हुआ, गेम में यहाँ मूव होने के बाद यहाँ से आ जाएगी चेक और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी मेट, क्योंकि दोस्तों इस पोजीशन में किंग कहीं पर भी मूव नहीं हो सकता और दोस्तों इसे कैप्चर नहीं कर सकते बिकॉज नाइट है। तो दोस्तों इसलिए गेम में क्या हुआ, गेम में यहाँ तो मूव हो नहीं सकते, यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ पर नाइट है और यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ से बिशप आ जाएगा। तो दोस्तों इसलिए गेम में क्या हुआ, गेम में किंग h3 खेला गया एंड किंग h3 के बाद यहाँ से आई नाइट f2 एंड दैट्स अ चेकमेट। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर ये जो पॉन था ये खेला गया यहाँ पर और दोस्तों इसलिए यहाँ पर हो गई चेकमेट। तो दोस्तों ये जो सेक्रीफाइस वाली गेम थी, आई होप आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों पसंद आई तो लाइक करना इस वीडियो को, मतलब कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।